Hello friends, welcome back once again to our channel Random Travel Couple. Hello friends, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे. आज की वीडियो होने जा रही है हाउ टू ट्रेवल विद योर पेट इन इंडियन रेलवे. पेट पेरेंट का हमेशा यही इशू होता है कि उनको नहीं पता कि कैसे इंडियन रेलवे में ट्रेवल करें अपने पेट के साथ में. तो आज की वीडियो होने जा रही है कि कैसे अपने पेट के साथ में ट्रेवल कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या रिक्वेस्ट करनी है, कैसे जाना है और कैसे अपने पेट को बुक करना है लगेज पे. तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे कैसे क्या कर सकते हैं हम. ट्रेन. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको एक चाहिए होगा कंफर्म टिकट इंडियन रेलवे में अपने पेट के साथ ट्रेवल करने के लिए. तो सबसे पहले हम चलते हैं IRCTC की वेबसाइट पर, जहां पर हम टिकट बुक करेंगे फर्स्ट क्लास AC में, जहां हमको कूप चाहिए होगा अगर हम दो लोग ट्रेवल कर रहे हैं अपने पेट के साथ में. और अगर हम लोग चार लोग ट्रेवल कर रहे हैं अपने पेट के साथ में तो हमको सेलेक्ट करना होगा केबिन. तो चलिए मैं आपको पूरा दिखाता हूँ कि कैसे टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं अपने पेट के साथ ट्रेवल करने के लिए इंडियन रेलवे की वेबसाइट IRCTC में. IRCTC की वेबसाइट IRCTC.co.in में लॉगिन करने के बाद में आपको पेज कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, जहाँ पर आपको डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी है फ्रॉम एंड टू. फिर उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करनी है, आपको किस डेट पर आप ट्रेवल करना चाहते हैं. उसके बाद में आप सर्च का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, जिसमें आपको ट्रेन्स जो भी अवेलेबल है विथ फर्स्ट क्लास AC दिखाई देगी उसमें. उसके बाद में AC फर्स्ट क्लास पर आपको जो है सेलेक्ट करना है, रिफ्रेश करके अवेलेबिलिटी चेक कर लेनी है जिस डेट में आपको ट्रेवल करना है. सेलेक्ट करने के बाद में बुक नाउ पर आप क्लिक करिए. उसके बाद में आपको पैसेंजर डिटेल फिल करनी होगी, नेम, एज, जेंडर इंडियन बाय डिफ़ॉल्ट होगा, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए. उसके बाद में ऑप्शन आता है कूप या केबिन सिलेक्शन का. दो लोग आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप कूप सेलेक्ट करिए, दो से ज़्यादा लोग हैं, चार लोग हैं तो दो वो आप केबिन सेलेक्ट कर सकते हैं. ये ट्रेन जो मैंने सेलेक्ट की हुई है उसमें फूड प्रेफरेंस का ऑप्शन दिया हुआ है, बल्कि हमारी ट्रेन जिसमें हमने ट्रेवल किया था उस पर फूड प्रेफरेंस का ऑप्शन नहीं था. तो डिपेंड करता है आप कौन सी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं जिसमें फूड प्रेफरेंस का ऑप्शन है या नहीं है. फूड प्रेफरेंसेस हैं वेज, नॉन वेज, आप नहीं चाहते हैं तो नो फूड सेलेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट पैसेंजर डिटेल भरने के बाद में आप सेकंड पैसेंजर डिटेल सेम ऐसे भर सकते हैं जैसे आपने पहले भरा हुआ था. डिटेल्स भरने के टाइम में थोड़ा सा कॉशियस रहिए आप क्या डिटेल भर रहे हैं, क्योंकि इन केस अगर वहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड मांगा जाता है और डिटेल्स डिफरेंट होती हैं तो पेनल्टी भी लग सकती है. पैसेंजर डिटेल भरने के बाद में आप नीचे स्क्रॉल करिए, अदर प्रेफरेंस में अपग्रेड का ऑप्शन क्लिक कर दीजिए. उसके बाद में आप कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं पेमेंट के लिए. पेमेंट करने ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में पैसेंजर डिटेल आएगी, उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि सेलेक्ट किया हुआ डिटेल सही है या नहीं सही है. उसके बाद में आप कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करने से पहले कैप्चा फिल करना मत भूलिए. कैप्चा फिल करने के बाद में कंटिन्यू करिए, आपको पेमेंट ऑप्शन आएगा, आप अपने मनपसंद पेमेंट ऑप्शन चूज करिए और डन. तो फ्रेंड्स,
कंफर्म टिकट बुक हो चुका है, आपको ईमेल कंफर्मेशन आ गया होगा। अगर ईमेल कंफर्मेशन में आपको सीट एलोकेशन नहीं किया गया होगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास एसी में चार्टिंग 4 घंटे पहले होती है, जिसमें आपको सीट एलोकेट होती है, इधर आपको कूप मिला है या केबिन मिला है। अगर आपने केबिन सेलेक्ट किया हुआ है, 4 लोगों का नाम दिए हुए हैं, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बाय डिफॉल्ट केबिन एलोकेट हो जाएगा। मगर अगर आपने कूप सेलेक्ट किया हुआ है, 2 लोग हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा प्रोसेस करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं रिक्वेस्ट टू DRM ऑफिस। कूप रिक्वेस्ट लेटर जाएगा DRM ऑफिस, जिसका फॉर्मेट मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया हुआ है, आप उसको वीडियो अपलोड करके पढ़ सकते हैं उसको। उसमें आपको आपके जर्नी की इंफॉर्मेशन, डेस्टिनेशन टू फ्रॉम, PNR नंबर, ट्रेन नंबर, डेट ऑफ जर्नी, हाउ मेनी पैसेंजर्स वर ट्रैवलिंग, और आपको अपने पेट का डिटेल देना है, जैसे कौन सा ब्रीड है, कितने मंथ का है, उसका एज क्या है, वो सारा लिख करके आप DRM ऑफिस जाकर वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बॉक्स मिलेगा जिसमें आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। ये करना होगा आपको 48 आवर्स पहले, यानी कि आपकी जर्नी अगर 3rd मार्च को है, तो आपको 1st मार्च को DRM ऑफिस जाकर के वो फॉर्म सब वो रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ेगी। DRM ऑफिस में आप जब रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे, तो उसके लिए आपको 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला, कन्फर्म टिकट का प्रिंट आउट, रिक्वेस्ट लेटर, उसके बाद में आपको चाहिए एक फिट टू ट्रेवल सर्टिफिकेट आपके पेट का, और उसके साथ में चाहिए आपको एक आधार का प्रिंट आउट। तो ये 4 डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हैं DRM ऑफिस में, जहाँ पर आपको एक इमरजेंसी कोटा बॉक्स रखा होगा, जिसमें आप सबमिट कर सकते हैं 48 आवर्स पहले। हम लोग ने ट्रेवल किया था बैंगलोर से दिल्ली, मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा कि कहाँ पर आपको सबमिट करना है। बैंगलोर DRM ऑफिस लोकेटेड है संगोली रैना सर्कल पर, जो बैंगलोर मजिस्टिक रेलवे स्टेशन के बहुत पास में है। आप मेन बिल्डिंग में इंटर करते हैं, जैसे आप इंटर करेंगे, आपके राइट साइड में इमरजेंसी कोटा बॉक्स मिल जाएगा, जिसमें आपको ये रिक्वेस्ट लेटर ड्रॉप करना है। आपने रिक्वेस्ट सबमिट कर दी, अभी आपको वेट करना है डेट ऑफ जर्नी का। जिस दिन आपकी जर्नी हो, प्रेफर करें कि आप 2 घंटे पहले पहुंचे ट्रेन के डिपार्चर टाइम से। तब तक आपको आपका बर्थ एलोकेशन आ चुका होगा, आपको कूप मिला है या केबिन मिला हुआ है। अगर आप 2 लोग हैं, तभी आपको केबिन मिल सकता है, इट्स ऑल डिपेंड्स रेलवे क्या आपको एलोकेट करता है। मैंने फर्स्ट क्लास एसी में कूप और केबिन का पिक्चर, जो स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पर आपको दिखा दिया हुआ है। आप जान सकते हैं उसमें कि कितने केबिन्स होते हैं और कितने कूप्स होते हैं। जर्नी वाले दिन आपको ऑलमोस्ट 4 घंटे पहले ट्रेन डिपार्चर से चार्टिंग हो जाती है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको कूप मिला है या नहीं। अगर आपको कूप मिला है, इट्स रियली गुड, आप स्टेशन पर जा सकते हैं। स्टेशन पर जाने के बाद में आपको जाना होगा पार्सल ऑफिस। जैसा हम लोग का जर्नी था बैंगलोर टू दिल्ली, हम लोग की ट्रेन थी यशवंतपुर से, तो हम वहाँ पर आपको दिखा देंगे कि यशवंतपुर में आपको कहाँ पर जाना होगा। हमारी ट्रेन चली थी प्लेटफॉर्म नंबर 6 से, तो प्लेटफॉर्म नंबर 6 के डाउन में जाने के बाद में आपको पार्सल ऑफिस मिल जाएगा। वहाँ पर आप जाकर के इंक्वायर कर सकते हैं कि मुझे पेट का टिकट करना है, तो उसके लिए आपको मैं आगे बताता हूँ कैसे क्या करना है। फ्रेंड्स, पार्सल ऑफिस जाने के लिए आपको प्लेटफॉर्म नंबर 6 के एंड पर आना होगा। अभी आपको जो सामने ब्लू कलर की बिल्डिंग दिख रही है, इसके ठीक पीछे लोकेटेड है पार्सल ऑफिस। आपको फर्दर डाउन जाना होगा ऑलमोस्ट 200 मीटर्स, जहां पर आपको आपके पेट का टिकट बुक करना होगा।
आपको यहाँ पर दिख जाएगा टू व्हीलर्स यहाँ पर पार्सल हो रहे हैं अपने अपने डेस्टिनेशन पर जाने के लिए। ये है पार्सल ऑफिस जहाँ पर आपको अंदर जाना है। आपके पेट के टिकट के लिए आपको चार डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, कंफर्म टिकट का प्रिंट आउट, फिर टू ट्रेवल सर्टिफिकेट का जीरोक्स और लेटेस्ट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और एक आपका आधार कार्ड। काउंटर पर जाने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे, एक बार वो आपका पीएन नंबर चेक करेंगे, अगर आपको कूप अलॉट हुआ है फिर आपको आपके पेट के टिकट का प्राइस बता देंगे। उसके बाद में टिकट हो जाने के बाद में यू आर गुड टू गो, हैप्पी जर्नी।